अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ये देखने लगे हैं कि अगर आपके पास कॉमर्स की डिग्री है और आप पंजाब के डोमिसाइल होल्डर हैं, तो आप पीएमएस और सीएसएस दोनों एग्ज़ाम अगर देना चाह रहे हैं, तो फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए जो आप चूज़ करें, सो दैट आप स्मार्ट वर्क करें विद इन द शॉर्ट टाइम पीरियड में, मैक्सिमम आउटपुट आप कैसे हासिल कर सकते हैं। बिकॉज ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने के लिए स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सम टाइम मेंटोरशिप की तरफ से उनको सजेशन मिलती है एंड सम टाइम एकेडमिक कल्चर की तरफ से, और स्टूडेंट खुद कंफ्यूज होता है बिकॉज उसमें बहुत सारे अप्रोच ये होती हैं या ऑप्शंस ये होती हैं कि कौन सा सब्जेक्ट हम कब किस वक्त किस तरह से चूज करें, और उसमें जो स्कोरिंग ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए और वो कितना होगा, क्या हम वो ठीक चूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बिकॉज पीएमएस के अंदर आपको सबसे ज्यादा स्कोर करने की जरूरत होती है बिकॉज वहां पे कंपटीशन ज्यादा होता है। आते हैं जी, अगर आपकी कॉमर्स की डिग्री है फर्ज किया, और तो फिर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से चूज करने चाहिए। हमारे पास पीएमएस में हर सब्जेक्ट ऑप्शनल 200 का होता है, और सीएसएस के अंदर बहुत कम सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 200 के हैं, ज्यादातर 100 मार्क्स के हैं, तो वहां पे आपको हर ग्रुप में से एक सब्जेक्ट चूज करना है। तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है जिसकी वजह से स्टूडेंट ज्यादातर प्रॉब्लमेटिक रहता है। अब ये कि बेस्ट सब्जेक्ट जो पीएमएस में आप लोगों के लिए हो सकते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, वो कॉमर्स का है 200 मार्क्स का ग्रुप ए में, पॉलिटिकल साइंस है ग्रुप ई में 200 मार्क्स का, और पंजाबी हम रिकमेंड करते हैं अगर आपको पंजाबी लिखनी आती है तो। अगर पंजाबी लिखनी नहीं आती तो आप सोशियोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं, और बिकॉज सोशियोलॉजी जो है वो सीएसएस में भी है और पीएमएस में भी है, इसी तरह पंजाबी पीएमएस में भी है और सीएसएस में भी है, तो आप पंजाबी हम रिकमेंड करेंगे। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, अगर आप पंजाबी स्पीकर हैं, पंजाबी लैंग्वेज आप अंडरस्टैंड करते हैं, बोलते हैं, मदर टंग आपकी पंजाबी है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगर आप डेली 1 घंटा से 1.5 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस पे लगा लें तो आपकी पंजाबी बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन ये अगेन आपको कंपैरेटिवली ज्यादा स्कोर देती है लैंग्वेजेस के अंदर। और इस सेंस में अगर आप ये आप ऑप्शनल चूज करते हैं, तो फिर इसी के रेलिवेंट आपको सीएसएस में कौन से ऑप्शनल चूज करने चाहिए जो आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं, और आपके एक ओवरलैपिंग भी हो जाएगी। अब इस सेंस में एक प्रॉब्लम ये आएगा कि ग्रुप 1 में सीएसएस में आपके अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड है, डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट है, वो और पॉलिटिकल साइंस दोनों एक ही ग्रुप में है, तो आप इन दोनों में से एक चूज कर सकते हैं। अगर आपने कॉमर्स चूज की है और अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग भी बहुत आपकी अच्छी है, तो फिर आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप गो फॉर द अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग इन द सीएसएस। और अगर आपकी ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ द कॉमर्स, तो फिर आपको मैं कहूंगा कि आप पोलिटिकल साइंस की तरफ जाए, सो दैट आपका ये 200 का इधर और ये भी 200 का सब्जेक्ट जो है वो आपका कवर हो जाता है विद द शॉर्ट टाइम स्पेंड। और अगर आप अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग चूज करते हैं तो ये कांग्रेस का एक ही नेचर ऑफ सब्जेक्ट बनती है, तो फिर आपको ये ऑप्शन जो है एज दे सकता है। इसी तरह फिर आपको सीएसएस में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक एज दे सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ द कांग्रेस, और आप डेफिनेटली एक ऑप्शन सब्जेक्ट के तौर पर, ये कोर सब्जेक्ट के तौर पर आप अपनी डिग्री के दौरान इसको पढ़ रहे होते हैं या कर रहे होते हैं, तो ये भी आपको जो है वो एज दे सकता है। इस सेंस में 400 नंबर के आपके ऑप्शन सब्जेक्ट पीएमएस में और 300 नंबर के आपके ऑप्शन सब्जेक्ट जो है वो सीएसएस में ऑलमोस्ट कवर अप इस तरह से हो जाते हैं कि ओवरलैपिंग है, नेचर ऑफ सब्जेक्ट है, या फिर एक जैसा सिलेबस आप इसको इंगेज कर रहे हैं। फिर अगर आपने यहाँ पे पंजाबी चूज की है, ये ग्रुप जी में है पीएमएस की, तो डेफिनेटली आप लोग क्या करेंगे, सीएसएस के अंदर भी पंजाबी को चूज करेंगे और वो आपके लिए सेम जो है वो अप्रोच बन जाएगी, तो आपकी ये भी आपकी कवर हो सकती है ओवरलैपिंग ऑफ कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑप्शनल पेपर आपके जो है 600 ये कवर होते हैं, तो इधर से आपके 200 का इस ग्रुप में से 100 का ये और 100 का ये, तो 400 नंबर के ऑप्शन सब्जेक्ट आपके सीएसएस के कवर हो जाते हैं अगर जब हम इसको वाइजली देखते हैं। पीछे रह जाते हैं आपके 200 मार्क्स के सीएसएस के, तो उसमें अगर आपने पॉलिटिकल साइंस रखी है और आप उसको उसका जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर बी है उसके अंदर इंडो पाक हिस्ट्री के, कॉलोनियल हिस्ट्री और पाकिस्तान हिस्ट्री का जो पेपर है वो भी अगर जो टॉपिक है वो कवर हो चुके होते हैं, तो फिर मैं कहूँगा इंडो पाक हिस्ट्री रख लें, लेकिन इंडो पाक हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा लेंथी है एज कम्पेयर टू द
यूएस हिस्ट्री। अब यूएस हिस्ट्री यहाँ पे मैंने क्यों ऑप्शन आपको दी है, इसलिए कि करंट अफेयर जब आप पढ़ते हैं तो 1945 के बाद से लेकर ऑनवर्ड ऑलमोस्ट जो यूनिपोलर पॉलिटिक्स है उसके अंदर यूएस का एक मेजर रोल आपको बनता है। तो 1776 से 1945 की हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ती है, बाकी 1945 की नॉन होती है, 1945 से आगे की, और कॉलोनियलिज्म की एक हिस्ट्री है जो इतनी बड़ी जो कॉन्टेक्ट टाइमलाइन है वो इतने ज़्यादा नहीं है, तो मैं इसके लिए आपको रिकमेंड करूँगा आप इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट उठाएं। जो ये 500 मार्क्स का होगा, ये 500 मार्क्स का होगा, और जेंडर स्टडी मैं आपको कहूँगा कि वो आप इंगेज कर लें उसमें। जेंडर स्टडी का ये सब्जेक्ट आपको ऐसे के जो वुमेन एम्पावरमेंट है, फेमिनिज्म है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जैसे टॉपिक हैं वो आपके इसमें कवर हो जाते हैं ऐसे के भी। तो ये एक आपका एक बेस्ट जो है वो ग्रुप बनता है ऑप्शनल के लिए, और ये सिलेक्शन आपकी बनती है कि आप कांग्रेस के स्टूडेंट होते हुए 3 सब्जेक्ट यहाँ से पीएमएस के उठाएं, और वही ओवरलैपिंग करते हुए ये यहाँ से भी आपके 400 कवर हो जाते हैं। 200 हैं वो थोड़ा सा आप उसको देख लें एडिशनली, इंडो पाक हिस्ट्री या यूएस हिस्ट्री, और 6th 1 जो है वो जेंडर स्टडी है जो 600 का है। तो इस तरह से ये ऑप्शन सब्जेक्ट आपके एक अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ आपको स्कोर भी देंगे अगर आप इसमें मेहनत करेंगे। तो मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, बेसिकली मेरे नज़दीक कोई भी सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं है, और कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो आपको कम स्कोर दे। जिसमें आप मेहनत करेंगे उसमें आपके ज़्यादा स्कोर आएंगे, और जिसमें आपकी मेहनत नहीं करेंगे आप उसके आपके स्कोर नहीं आएंगे, चाहे वो उसमें आपकी डिग्री ही क्यों ना हो। तो इनफैक्ट मेरे नज़दीक ये ऑप्शन सब्जेक्ट बेस्ट हैं, आप इन गो फॉर दिस, और इनको आप स्टडी करें, कॉन्टेंट देखें, इनके पास पेपर देखें, और अगर फिर भी आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो तो जहाँ जिस इंस्टीट्यूट में आप कर रहे हैं स्टडी उस इंस्टीट्यूट के अंदर जो ऑप्शन सब्जेक्ट ऑफर किए जा रहे हैं उनकी एक एक क्लास ले लें, और उसके बाद रीडिंग्स देख लें, तो होपफुली आप अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे। और इस सेंस में अगर हम अपनी बात करें तो हम जो ऑनलाइन सर्विसेज आपको देते हैं ऑलमोस्ट उसमें पॉलिटिकल साइंस है, पंजाबी है, यूएस हिस्ट्री है, जेंडर स्टडी है, और इंडो पाक हिस्ट्री और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के जैसे सब्जेक्ट भी हम आपको ऑफर करवा रहे होते हैं। सो यू कैन ज्वाइन अस, और हमें आपको सर्व करके खुशी होगी। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़।